लाइक टू मैं बहुत खुशी दिल से अनाउंस करना चाहता हूँ दैट सीपरा मोथा हैज नाउ, हमने थोड़े दिन पहले यूथ सीपरा फेडरेशन को शुरू किया था. आज वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट सीपरा वुमेन्स फेडरेशन TWF को हम लोग शुरू कर रहे हैं. This will be the frontal wing of the Tipra Motha organization. और ये जो Tipra Motha organization है इसमें central body बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन we believe आज एक historic day है. 6th of June सबको याद होगा, it's a very historic day. और कोई भी movement, मैं अभी भी इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये तीपरा मोथा इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी बट अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर तीपरा लैंड फॉर द राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल. एंड टुडे आई एम ग्लैड टू अनाउंस दैट TWF तीपरा वुमेन्स फेडरेशन विल बी फॉर्म एंड आने वाले एक दो दिन के अंदर मैं कमिटी भी अनाउंस करूंगा. तीपरा वुमेन्स फेडरेशन विल बी पर्सनली हैंडल्ड बाय मी, मैं खुद इनका डायरेक्टली इनका स्ट्रक्चर को हैंडल करूंगा. और आई एम वेरी क्लियर, यहाँ में मेरे संग हमारे चेयरमैन हैं, INPT के जनरल सेक्रेटरी, थोड़े दिन के बाद हम लोग तीपरा मोथा में आ रहे हैं अगले दो तीन दिन के अंदर. लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ, आई एम वेरी क्लियर दैट कोई भी मूवमेंट विल नेवर बी सक्सेसफुल जब तक इसमें हम लोग वुमेन को मेजर रोल नहीं दें. आज कहीं कहीं से रिपोर्ट आता है कि विलेज काउंसिल में कुछ प्रॉब्लम है, कोई पंचायत में कुछ प्रॉब्लम है. आप देखेंगे कि वुमेन का कहीं में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. हम लोग का वुमेन सोसाइटी को जोड़ता है और तोड़ने वाला त्रिपुरा में बहुत है, लेकिन जोड़ने वाला बहुत कम है. इसके लिए आई एम पर्सनली गोइंग टू हैंडल द वुमेन्स फेडरेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी आज कि हमारे संग नए लोग भी जुड़े हैं. सपना हैज ऑफिशियली ज्वाइन तीपरा मोथा. देर आर अदर पीपल जो 1977-78 TUGS के टाइम से जो INPT में है वो लोग भी एडवाइजरी काउंसिल में आ रहे हैं. और ये तीपरा वुमेन्स फेडरेशन सिर्फ सेंट्रल कमेटी नहीं रहेगा, इसमें प्राइमरी कमेटी रहेगा, इसमें डिवीजन ब्लॉक कमेटी रहेगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी रहेगा और इसमें सेंट्रल कमेटी रहेगा. और मैं चाहता हूं कि ये वुमेन्स फेडरेशन हमको लीड करे, ना कि हम वुमेन को लीड करें. और हमारा इश्यूज जो है ये सिर्फ वुमेन लोग अगरतला में या खुमुलुंग में बात नहीं करेंगे. अगर दरकार है तो इफ दे हैव टू गो टू दिल्ली, ये लोग दिल्ली जाएंगे. अगर फॉरेन कंट्री में भी जाना होगा तो मैं इनको सपोर्ट करूंगा. लेकिन जो तीपरा वुमेन का, जो हमारे सोसाइटी का, जो हमारे कम्युनिटी का, इंडिजिनियस कम्युनिटी का जो प्लाइट है वो मैं थ्रू द वुमेन हाईलाइट करना चाहता हूँ. प्लीज डू नॉट टेक दिस एज अनदर पॉलिटिकल विंग ऑफ अ पार्टी. This will be a movement by the women, led by the women, for the women and for the entire society. If you have any question regarding this, I'll be more than happy to answer. अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. लेकिन I think that आज historic day है, 6th of June कोई भूला नहीं है. 6th of June में आज से 41 ईयर्स पहले बहुत माँ ने अपने
भाई को औलाद को खोया, बहुत बहन ने अपने भाई को खोया, बहुत लोगों का हस्बैंड्स मारे गए, हर कम्युनिटी से, आई एम नॉट गोइंग टू से वन कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटी। और 6th of June हमारे वीमेन ने बहुत सफर किया है, जो दांगा के बाद मैं बोल रहा हूँ। और आज उसी दिन में हम एक वीमेन फेडरेशन का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसका एक मैसेज जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, यहाँ में हमारे वीमेन तो हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट हमारे वेरी सीनियर लीडर जगदीश देव वर्मा, देन आगोर बाबू, हमारे बुद्ध बाबू नांद्रुदेव वर्मा, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, एंथनी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है कि ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने के लिए। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक राधा बाला, बीना, शर्मिला इज देयर, सपना है, हमारा लूसी हालाम, अपना अर्चना, और बहुत लोग हैं, मतलब ये सबका नाम ले तो बहुत वो हो जाएगा, लेकिन एवरी वन ऑफ यू, सब लोग यहाँ में एक नया कदम उठाएंगे। एंड आई वॉन्ट टू जेन्यूनली सिंसियरली, मैं दिल से चाहता हूँ कि त्रिपुरा में वायलेंस ख़त्म हो, और जब तक विमेन सामने नहीं आएंगे, जब तक ये ड्रग्स का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा, ये सब में विमेन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारे पार्टी में और विमेन आए, महिला आया, तो ये हमारा पार्टी के लिए अच्छा है, और ये हमारा मूवमेंट के लिए अच्छा है, ग्रेटर त्रिपुरा के। That is what I want. अगर कोई सवाल है, you are most welcome to ask me any question. सर, आपने बोला बीस काउंसिल के लिए प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक। How it will be end? क्योंकि एक लीगल ओपिनियन गया है। I have asked our CM to officially take legal opinion and write back to the state government with our legal view, कि जो उनका जो व्यू है और हमारा व्यू है वो अलग है। तो मैंने कहा है कि सीएम को, सीईओ को कहने के लिए कि एक लीगल लेटर लिखे, एक ऑफिशियल रिप्लाई दे, उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉइंट में रहेगा तो वी कैन एक्सप्लोर ऑल लीगल ऑप्शंस, लेकिन मैं वायलेंस के पक्ष में कभी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो 6th Schedule है, ये आज भी TTAADC है, इसमें एक वर्ड ऑटोनमस है, और अगर हमारे ऑटोनमी को अगर हमेशा सप्रेस किया गया, तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब क्या रहता है? हमने जो भी कदम लिया है, हमने लीगली, हम इसको वेट करके वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन एंड वी आर गोइंग टू सेंड अ ऑफिशियल रिप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द कंसर्न ऑफिसर, फ्रॉम आर ऑफिसर, एंड इफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टिल इंसिस्ट देन वी हैव ऑल लीगल ऑप्शंस। A few days back, Congress has came in support of Tripura and demanded the state government to give a free hand for the work in ADC. Can you expect that is there any talks of alliance are going on? No, there are no talks of any alliance. I thank Pijush Babu. Pijush Babu has been a gentleman and he keeps on talking to me. But there's no talks of any alliance. We are sticking to our line of Greater Tripura land. We are sticking to the line of CEA, NRC. We are sticking to our line of illegal migrants should not be in the state of Tripura. And Congress has a view, but there is no talk of any alliance. But nevertheless, Pijush Babu is a gentleman. I thank him for his view, but this is not his views on more power to us is not linked with any alliance. It is to do with his good professional behavior as well. Sir, opposition leader, that one opposition leader, Mr. Malik Sarkar bhi aise hi bola. Malik Sarkar ne bola? Yes. So I welcome it. Manik Babu bhi, dekhiye, lekin Manik Babu ka jo sarkar tha, 20 saal mein, usne koi council ko koi power to khud diya nahi. Aaj bhi itna bills pending. Aaj bhi there are so many problems in the ADC. ADC ek ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ में हमने सिर्फ 5 या 10 हज़ार लोगों को अमीर बनाया है और बाकी 9 लाख लोगों को हम लोग ने वंचित किया है। आई थिंक इट इज़ वेरी सैड दैट डिस्पाइट बीइंग इन पावर इन 25 ईयर्स द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्चुअली एम्पावर द ADC. दिस इज़ अ लेगेसी प्रॉब्लम एंड व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग इज द सेम थिंग।
my point of view is, I think you are a very respected senior, especially you, sir. You are a very respected senior journalist. I just want to say one thing. आज का जो इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई नेशनल पार्टी के कब्जे में नहीं है. ये जो तिपरा मोथा है ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग पार्टी है. तो आप जर्नलिस्ट लोगों को मैं अपील करता हूँ कि ये मात अपने सोच से हटा दीजिए. आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि हमेशा रीजनल पार्टी ने नेशनल पार्टी के संग अलायंस किया है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिन में भी होगा. यही बात चला था एडीसी इलेक्शन के पहले. वी फॉट अलोन, वी फॉट विथ INPT, अब तो वी आर सेम पार्टी एंड वी आर इंडिपेंडेंट. वी डोंट नीड देयर मनी, वी डोंट नीड देयर सपोर्ट. वी नीड सेंटर सपोर्ट बट वी डोंट नीड देयर मनी, वी डोंट नीड देयर सपोर्ट. व्हाट वी वांट इज ग्रेटर तिपरा लैंड. व्हाट वी वांट इज रेवोकेशन ऑफ CAA. What we want is the implementation of NRC. What we want is the illegal migrants should go and Tripura should have a peaceful state where there is Bengalis, there is Muslims, there is Hindus, there is Tiprasas, there is Manipuris, everyone. We are not pinpointing towards any community. What we are saying is that the law should be the same for Meghalaya, for Assam, for Manipur, for Nagaland, and for Tripura. It cannot be different in different states. I'll give you one example. Jo Mani Babu bolte hai ki hamara autonomy ko. Only state in the entire country, jo sixth schedule mein, which does not report directly to governor. We report to minister, to the director of the Ministry of Tribal Affairs, nodal agency. Why? Where in the sixth schedule is it written that we have to report to the state minister of tribal affairs? So there are a lot of things which have been done. That's why we are taking a legal opinion. I think that hum log ka sixth schedule mein jo banaya gaya hai Tripura mein completely suppressed. Aur ye 2 saal mein suppressed nahi hua, 6 mahine mein suppressed nahi hua, ek mahine mein suppressed nahi hua. This has been suppressed for 30 years, 35 years. To isko लीगली हमको इफ यू हैव टू गो वील गो लीगली. बट जो मानिक बाबू आज कह रहे हैं उनके पास भी 20-25 साल था, उसने क्यों नहीं किया उसे. आज आप फाइनेंस देख लीजिए, बजट देख लीजिए, स्टेट बजट कितना है, हमको कितना मिलता है. आज हम लोग के पास ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिसका सैलरी में रुपया जाता है. वेयर इज द मनी फॉर डेवलपमेंट? तो this is a problem which we have inherited not one month ago but for the last 25 years. So isko khatam karne ke liye humko jo bhi acha advice milega, I want to report to the governor. Governor of Tripura is a representative of the central government, so I want to report to the governor. I don't want to report to some minister of tribal affairs or director there. So there is a lot of problem. Maybe one day हम लोग अगर एक साथ बैठेंगे then I can explain to you that यही सिक्स शेड्यूल मेघालय में अलग है, मिजोरम में अलग है, अरुणाचल में अलग है, असम में अलग है, नागालैंड में अलग है, what they are proposing, लेकिन त्रिपुरा में एकदम नहीं. It is very unfair. बोडोलैंड को देख लीजिए आप. It is very unfair on us. It is very unfair on the original indigenous people of Tripura that we have to suffer like this. And what is the meaning of more power? We want definitive power. And we want power to help our people. So that's what I wanted to tell you. Any question regarding women? Sir, abhi to development ke bare mein aapne bola tha. Abhi to kaam kam sab हो गया. नहीं, काज काम स्टॉप नहीं हुआ. ग्रेस काउंसिल का तो प्रॉब्लम हो गया है, इसी कारण में बहुत काज काम स्टॉप हो गया. तो हम रिजॉल्व करना चाहते हैं. इसी के लिए हम लोग दो बार डिप्टी CM से मिले भी. मैं अभी भी नहीं चाहता हूं कि काम रुके. लीडर्स के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है,
लेकिन ये प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल में नहीं जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि दोनों तरफ से एक फाइनल डायलॉग हो, यहाँ में जो असली लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल में हैं, उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं अपील भी करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट एक फाइनल बार बैठकर ख़त्म करे इस मामले को, लीगली ख़त्म करे, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। आई एम नॉट हियर टू टेक कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट एनी वन। आई वॉन्ट टू डू पॉजिटिव पॉलिटिक्स, आई डोंट वॉन्ट टू डू नेगेटिव पॉलिटिक्स। इफ पीपल वॉन्ट टू डू नेगेटिव पॉलिटिक्स देन यू नो, 25 साल से 30 साल से कौन नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है। मैंने आज तक नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं किया है और मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहता। थैंक यू। नमस्ते।